जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका, शहर में लगा कर्फ्यू। टोक्यो ओलंपिक के लिए आज रवाना होंगे खिलाड़ियों का पहला दल, भारत टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजेगा 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्य दल। पीएम मोदी गुजरात को देंगे सौगात, 16 जुलाई को कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। यूपी में 28 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी बदले, हुआ बड़ा तबादला। केरल में 17 से 18 जुलाई को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, बैंक नहीं रहेंगे बंद, कई गाइडलाइंस भी हुई जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट सामने आया है। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे प्रदेश में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि राजस्थान में अब तक कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि 11 मरीजों में से 4 मरीज जयपुर और अलवर के हैं, 2 मरीज बाड़मेर से हैं और 1 भीलवाड़ा से है। राजस्थान में 13 जुलाई तक कोरोना के 9.53 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो यहाँ पर 28 मरीज मिल चुके हैं। अब तक 9.53 लाख से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 8,945 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही हो, लेकिन जिस तरह से नए नए वेरिएंट्स जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर काफी ज्यादा चिंता बढ़ चुकी है, क्या कुछ कहना है? सबसे बड़ी बात यही देखने को कि दूसरी लहर के बाद वेरिएंट बढ़ने की बात सामने आ रही है। इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट को सबसे घातक माना जा रहा था, वहीं उसके बाद से कप्पा वेरिएंट देखा जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों में नए नए वेरिएंट देखे जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके तरफ लगातार महाराष्ट्र, केरल और जगहों पर डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा गया था। उसके बाद से ऐसे में अगर राजस्थान में कप्पा वेरिएंट मामला देखा जाए तो अभी बहुत चिंता करता है। वहीं जो सिम्टम्स सामने आ रहे हैं इसको लेकर जी, जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं इस न्यू वेरिएंट में, वेरिएंट में देखिए जितने कहते हैं पुराने सिम्टम्स से सर्दी जुकाम खाती जैसे ऐसे ही है, बस इनमें ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जल्दी से और 3 दिन में उतर रहा है और 3 दिन में रोगी की मृत्यु है, कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक माना जाता है इसको। तो ये चिंता का विषय है और तमाम ऐसी तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर सरकार तमाम ऐसे क्या कहते हैं तैयारी कर रखी है, जिससे थर्ड वेव के लिए अगर डेल्टा प्लस बोलते हैं तो उसके लिए कोई परेशानी ना हो, मरीजों की तरह आए तमाम ऐसे बच्चे पीकू वार्ड बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए तैयारी पूछ चुकी है, ऐसे वेरियंट लगातार बदल रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट भी सामने आया है और राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहां पर कप्पा वेरिएंट के अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे प्रदेश में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह बताया है कि राजस्थान में अब तक कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि 11 मरीजों में से 4 मरीज जयपुर और अलवर के हैं, 2 मरीज बाड़मेर से हैं और 1 भीलवाड़ा से है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहां पर 13 जुलाई तक कोरोना के 9.53 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में यहां 28 मरीज मिले हैं। वहीं अब तक 9.53 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 8,945 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को यहाँ 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को तैनात किया गया है, ये जानकारी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दी है। आपको बता दें कि इससे पहले 8 जुलाई को पुलवामा में
सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे। ये मुठभेड़ ऐसे समय में हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने की खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलग्राम में हुई मुठभेड़ में भी दो आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के किफायत रमजान सोफी और अलभद्र के इनायत अहमद डार के रूप में हुई थी। तो आपको बता दें कि ये मुठभेड़ ऐसे समय में हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के 5 साल पूरे होने पर घाटी के कुछ इलाकों में बंदी भी रही थी। साथ ही इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में भी दो आतंकी मारे गए थे। वहीं मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के किफायत रमजान सोफी और अलभद्र के इनायत अहमद चार के रूप में हुई थी। वहीं कांवड़ यात्रा के साथ ही योगी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर भी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार विमर्श कर निर्णय ले और दिशा निर्देश जारी करें। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर विभिन्न बिंदुओं के साथ ही 25 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा की। अधिकारियों से यात्रा की तैयारियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा से किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा ना फैले। वहीं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के सक्षम अधिकारियों से भी बात कर ली जाए। आपको बता दें कि समन्वयता बनाते हुए यात्रा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को लागू करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को एसपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दरअसल बीते 28 जून को थाना अध्यक्ष सीताराम यादव ने घनपतगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करवाया था। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के साथ साथ दीपक सिंह, अंशु सिंह, विजय यादव और रुखसार पर गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह समेत सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने सभी आरोपियों की रिमांड स्वीकृत करते हुए 60 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। धनपतगंज में गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था जिसकी विवेचना गोसाईगंज की पुलिस द्वारा की जा रही थी। ये है चुनाव में इन लोगों को रोकने के लिए कि जिससे चुनाव का प्रचार न कर सके, इनकी वहन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी। तो पुलिस प्रशासन द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाता है, जैसा भी इस सरकार में है पूर्व में भी होता रहा है, तो उसी के तहत ये गैंगस्टर का मुकदमा कायम कराया गया था, उसी में आज हाजिर हुआ। वहीं लखनऊ में यूपी कांग्रेस मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जाए तो उन्होंने योगी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी अपने 5 सालों के कामों का हिसाब दे। इस सरकार में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है, परेशान किसानों की बातों को अनसुना किया जा रहा है, अल्पसंख्यक बुनकरों की समस्याओं के समाधान व रोजगार पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने लोगों के साथ सिर्फ धोखा किया है। तो आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तरह के सवाल भी सरकार से पूछे गए हैं और ये कहा गया है कि सरकार में सिर्फ बेरोजगारी ही बढ़ी है, परेशान किसानों की बातों को लगातार अनसुना किया जा रहा है, अल्पसंख्यक बुनकरों की समस्याओं के समाधान और बेरोजगार पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सरकार ने लोगों के साथ सिर्फ धोखा किया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।